और इनको ये मिला है बैग। देखो मेरे बाल कैसे हो गया, हवा आ रही है बहुत तेज इधर से, पूरे पेड़। तो गाइस अभी हम घर पे आ गए हैं और देखो मैं ये सामान लाई थी, बस इतना सा सामान था मेरा। दोस्तों नमस्ते प्रणाम आप सभी को, मेरा आपका स्वागत है फिर से एक न्यू व्लॉग में, एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम मस्त हैं। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं, और आज का व्लॉग हो रहा है अभी के 10 बजे से स्टार्ट, और मैं तैयार हो गई हूँ, घर का काम हो चुका है और थोड़े बहुत मैंने कपड़े भी सिल लिए, मतलब एक सूट था वो आधा सिल गया, तो आधा आके सिलूँगी अगर टाइम रहेगा तो। तो फिलहाल चलते हैं अभी अपने सफ़र में, अभी जहाँ हम जा रहे हैं मतलब कोटद्वार, तो मुझे कोटद्वार से कुछ सामान लेना है अपनी सिलाई का। तो आजकल तो मैं कपड़े मतलब है नहीं सिलने के लिए, पर ऐसे ही ला के रख दूँगी, क्या पता ज़रूरत पड़ जाए। तो तैयार तो हो चुकी हूँ, और मिस्टर जी अभी नहाने जा रखे हैं, तो देखते हैं कब तक आते हैं, तब तक मैं कुछ बचा हुआ काम कर देती हूँ ना। तो ये कॉपी रख लेती हूँ मैं अपनी, ये कॉफियाँ, और ये देखो फोटोज़ हैं मिस्टर जी की है, इसमें भी सूट ही है, ये भी सिलना है। देखो गाइस मेरा हाथ जल गया। अपने गाड़ी का टायर चेंज करा रहे हैं, तो हम इधर मतलब देखो सारी जगह टायर ही टायर हैं, और इनको ये मिला है बैग। तो जो मेरे मुझे सामान लेना है वो आगे से लेना है झंडा चौक से, तो अभी तो हम फिलहाल गाड़ी जहाँ पे मतलब जहाँ गाड़ी के टायर लगते हैं वहाँ पे हैं, और यहाँ सकल धुंधली सी आ रही मतलब अंदर है ना, तो चलते हैं अभी सामान लेंगे कुछ। आपको दिखाती हूँ हम बैग करके कितने सारे, मतलब आपने क्या बोला यहाँ क्या है एजेंसी, अपोलो की, या अपोलो की एजेंसी है। ये देखो गाइस बाहर रही मिस्टर जी की गाड़ी, तो वो टायर चेंज करवा रहे हैं, और ये देखो अंदर, तो ये अपोलो की एजेंसी है टायरों की, मतलब यहाँ सारे टायर मिल जाएंगे आपको। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कोटद्वार से, और अभी हम किशनपुरी में आए, तो हम खा रहे हैं मोमोज, सर में दर्द हो गया यार, भूख लगी है। तो देखो मेरे मिस्टर जी वहाँ जा रखे हैं, खाते हैं मोमोज फिर चलते हैं घर। अब लोग बोल रहे हैं कि कब से बोल रहे हैं चलते हैं घर। तो गाइस अभी हम खा रहे हैं फ्राई मोमोज, ये देखो हम घर पे आ गए हैं, और देखो मैं ये सामान लाई थी, बस इतना सा सामान था मेरा, ये देखो। तो अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, पहले खाना वाना खाते हैं, थोड़ा मोमोज तो हमने खा लिए हैं। गाइस अभी हम घास के लिए आ रखे हैं, और घास तो काट दिया है थोड़ा सा, मतलब काट दिया थोड़ा सा रह रखा है, और आजकल मतलब लेटा भी पकने वाला है, और देखो मौसम कैसा हो रखा है, फ़ोन में नहीं दिख रहा, मैं बैक करके दिखाती हूँ, बारिश वाला हो रखा है। तो दोस्तों देखो बारिश वाला मौसम हो रखा है, बादल आ रहे हैं, और सूरज बादल के पीछे छिप रखा है। और गाइस इधर से देखो मौसम ख़राब हो रखा है, पूरा बारिश आने वाली है, देखो गेहूं भी पकने वाले हैं, मतलब पिघले पिले से हो गए हैं इधर चाची और के, और आम के पेड़ों पे बोर आ गए, देखो फूल आ गए हैं आम के पेड़ पर। तो
दोस्तों अभी बारिश आने वाली है क्योंकि उस टाइम थोड़ा मौसम हो रखा था, अब पूरी बारिश आने वाली थोड़ी देर में 5-10 मिनट में, फिर हम जा रहे हैं घर। देखो मेरे बाल कैसे हो गए, हवा आ रही है बहुत तेज़, इधर से पूरे पेड़ हिल रहे हैं। देखो अभी हम इसके अंदर का घास निकाल रहे हैं, अब हम चलते हैं घर पे। रात हो गई है और रात के टाइम हो रहा है, मतलब 9 बजने ही वाले हैं और हमने खाना वाना बना लिया और बारिश आ गई। तब तक देखो बाहर कितनी तेज़ बारिश लगी है, तो ये देखो बाहर जा रहे हैं हम, मैं नहीं जा रही, मतलब मम्मी और मिस्टर जी जा रहे हैं और अब खाना खाएंगे थोड़ी देर में। तो इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग भी खा जाओ खाना, बाय।